ये हम लोग पानी फल को निकाल दिए हैं इसके कप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये देखिए चीकू को प्लास्टिक लेकर तैयार है कहीं पे जाने के लिए। पैसा देखो वहाँ पर गिरा दी। तो कहाँ जाने के लिए तैयार है? यहाँ पे पास में हम लोग का घर के पास में ही एक तालाब है छोटा सा, उसमें पानी फल का पौधा लगाया हुआ है। तो वहाँ पानी फल उगते हैं, तो हम पानी फल को वहीं से खरीदने जा रहे हैं। तो आप सभी को इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि किस तरह से गांव में पानी फल का पौधा लगाया जाता है और कैसे तोड़ते हैं, और इतना ठंड में और उस पानी में हेलकर वो पानी फल को तोड़ते हैं और बेचते हैं और हम लोग खरीद कर खाते हैं। तो हम अब अभी कभी नहीं खरीदे हैं, बस आज खरीदने जा रहे हैं। और चिकू तब बोल रही थी कि मम्मी खाना है हमें पानी फल, तो इसलिए जा रहे हैं खरीदने। तो खरीद कर लाएंगे तो उसको उबाल कर चिकू को खाने के लिए देंगे। तो चलिए चलते हैं। ये रहे चिकू, चलो चिकू, चलो चलो पानी फल के लिए, चलो चलो चलो। हम अभी तालाब के पास चले आए हैं और देखिए पानी फल का पौधा किस तरह से है। और उतना बड़ा तालाब नहीं है, पर गांव का तालाब है छोटा मोटा, और मेरे घर के पास में ही इस तालाब है, तो इसीलिए विराट को भी लेकर चले आए हैं। तो पानी फल वाले पानी फल को तोड़ लिए हैं और उसको अब बेच रहे हैं। तो कहीं पे गए हैं तोड़ कर, तो थोड़ा देर में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग खरीदेंगे हम और चीकू। और चीकू भी साथ में आए और विराट भी, और ख़रीद कर फिर चले जाएँगे। चीकू दो प्लास्टिक। तो दोस्तों मैं यहाँ आकर फ्रेश हो रहा था, तो गुड़िया जी गए थे पानी फल लाने के लिए और ये लाए हैं और बनाएंगे। चीकू और विराट भी साथ में गए थे। डर नहीं लगता है जी? पानी के सामने जाकर गए कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप सभी को। एक लाइक तो बनता है क्योंकि गुड़िया जी मतलब जाकर के ब्लॉग वहां पर बना रहे थे। और ब्लॉग बनाना दोस्तों एक तरह से बोलेंगे कि आसपास में लोग आते जाते रहते हैं, उसके बाद भी गुड़िया ब्लॉग में बहुत अब एक्सपर्ट हो गए हैं, मतलब बनाने में ब्लॉग बहुत अच्छे से बनाते एक्सपर्ट हो गए। और वहाँ पे पानी फल, तो ये रहे दोस्तों पानी फल, इसी को बोलते हैं पानी फल हम लोग। आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। खाओगे हाँ या उबाला जाएगा? इसको उबालिएगा, उबाल करके खाएंगे। तो ये दोस्तों गैस पे खाना बन चुका है एक बार, और देखिए यहाँ सिलेंडर। तो चलिए अभी इसको साफ़ करिए, उसके बाद उबालते हैं। और दोस्तों ये शाम का, क्योंकि बहुत लोग कमेंट किए थे कि रोटी बना कर खाया कीजिए, तो रोटी यहाँ पे बनाएंगे गुड़िया जी। और सब्जी में क्या पता, सब्जी में क्या पता ना, पानी फल के साथ खाएंगे रोटी। पानी फल के साथ रोटी खाइएगा ना, इसके लिए सब्जी बनाना पड़ेगा। ये खराब है क्या जी? ये थोड़ा काला कलर टाइप पे हो गया। चलिए फूलगोभी का सब्जी बनाइए, ठीक है? तो अब गुड़िया जी छान रहे हैं पानी फल को। हटो, और ये मतलब खेलते रहती है बस धूल में ही। साफ कर दिए पूरी तरह से? हाँ। कौन कौन लोग खाए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और किन किन लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गांव से हमारे ब्लॉग को देखते हैं, तो उनको ये अच्छा लगता होगा। और ये तो शहर बाजार में भी मिलता है, इसको वालेंगे वाली पानी फल। और एक तरफ दोस्तों गुड़िया जी रोटी बना रहे हैं, और देखिए वो भी टेढ़ा 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 बन जा रहा है। कढ़ाई बढ़िया से नहीं बन रहा है, कढ़ाई में बन रहा है, उसी इसीलिए बन रहा है ना टेढ़ा टेढ़ा। बढ़िया से गोल गोल नहीं बन रहा है। क्यों पता ना, गुड़िया गलती करते हैं तो स्वीकार भी करते हैं। और यहाँ पे पानी फल और पानी रहता ना जी? नहीं। चलिए अभी हम जाता हूँ दुकान से कुछ लाने के लिए, ठीक है? पानी फल रेडी हो गया हुआ है, रेडी हो गया पूरी तरह से। और चीकू ना बहुत ठंड के लिए उतावली है, ये गई थी साथ में लाने के लिए ना, लेज खा रही है। इसको मना करते हैं कि लेज नहीं मतलब दें, फिर भी ये लेज के लिए ही रोती है। रोती है।
आलू चिप्स दिखाओ कैसा है, निकालो। निकाल रहे हैं, तो समोसा भी बोल सकते हैं। समोसा कैसे बोलेंगे? समोसा अलग रहता है। काला सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा बोल रही है, बड़ी सिंघाड़ा। सिंघाड़ा पानी फले चीकू, यहाँ के लोग सिंघाड़ा ही बोलते हैं, इसीलिए चीकू भी सिंघाड़ा बोल रही है। पानी फल है बेटा, इसको फिर से पानी में धोया जाएगा, उसके बाद ना उसके बाद छीला जाएगा। और पानी फल का फायदा बहुत ज्यादा होता है। ये रहे पानी फल, और आप लोग बताइए हमें, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हमको खाना चाहिए या नहीं। ठंडा होता है या गर्म होता है हम नहीं जानते हैं, पर आप लोग बताइएगा जरूर। दोस्तों विराट को मैं लिया हुआ हूँ, और देखिए कितने अच्छे से देख रहा है। देख रहे हो हा? देख रहे हो। और दोस्तों आप लोग एक तरह से फैमिली की तरह आप लोग हमें समझाते हैं कि सुनील भैया ऐसे कीजिए उसे कीजिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और विराट बहुत अच्छे से देखता है, विराट बहुत अच्छे से देखता है। अभी चलिए पानी लगा उसमें डालिए, उसके बाद खा करके। शुक्रिया जी, पानी फल को निकाल रहे हैं, उसका कवर होता है ऊपर, उससे टूट गया। वाइट कलर का होता है, ये देखिए निकाल दिए। पूरे पूरे पूरा पूरा निकालिए ना, ये हम लोग पानी फल को निकाल दिए हैं इसके कवर में से। और देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ, आप खा कर बताइए कैसा है। आप खाइए ना, आपको मन था, आप गए थे लाने के लिए पानी फल। तो पहले आप खाइए, हम लाने में था, हम ही खाएंगे। पहले आप खा लीजिए, उसके बाद हम करें। अभी विराट को मैं लिए हुए ना। अच्छा, खा कर देखते। साफ किए पानी से एक बार, और कर दिए। चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों रात हो चुके हैं, और देखिए किस तरह से पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा, सिर्फ मेरे ही आंगन में लाइट आप सभी को दिखेगा। और विराट अभी रो रहा है, अभी जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, और गुड़िया खाना खा रहे हैं, तो अभी जाता हूँ। चुप रहो, चुप रहो, ऐ चुप रहो। तुम विराट को नहीं खिलाती हो? देखिए यहाँ पे चीकू हॉर्लिक्स पी रही है, और गुड़िया खाना खा रहे हैं, दिखाते हैं। गुड़िया जी खाना खा रहे हैं, बहुत लोग कमेंट किए थे कि क्या रोटी खाया कीजिए, तो ये देखिए रोटी और दोस्तों सब्जी खा रहे हैं गुड़िया जी। और वो भी सब्जी में क्या है, मछली है, वही खा रहे हैं गुड़िया जी। और इधर दोस्तों विराट ना चुप है, नहीं तो रोते रहता है, इसे अच्छे से ले लेंगे तभी ये चुप रहता है, वरना रोते रहेगा। देखिए ना किस तरह से देख रहा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, है ना विराट? तब तक के लिए विराट बाय बाय, बाय 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 कर दीजिए गुड़िया, तब तक के लिए बाय बाय।